नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। इस वीडियो में हम लोग जीडी के जो नए वैकेंसी आए हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और उस जीडी को कंप्लीट करने में हम लोग को मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे और रीजनिंग जीके जीएस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए भारत सरकार द्वारा जारी किया एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत कहा गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है किस तारीख से किस तारीख फिलअप होने वाला है, तो 24/11/2023 से लेकर 31/12/2023 तक फॉर्म फिलअप होगा। और यहाँ पे दिया है लास्ट डेट एंड टाइम एंड रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट, अंतिम डेट क्या है, तो 31/12/2023 यानी 23 यहाँ पर दिया है यानी 11 बजे तक। नेक्स्ट है इसमें दिया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी, यानी आप कब तक ऑनलाइन इनका फी पेमेंट कर सकते हैं, किस तारीख तक, तो 1/1/2024 तक यानी 11 बजे तक आप फी पेमेंट इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में जाने के यहाँ पर दिया है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, यानी आपको उस फॉर्म में सुधार करने की किस तारीख से आएगा, यहाँ पर दिया है 1/4/2024 से 6/1/2024 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और आगे है कर रहा है कि स्कीम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फरवरी से मार्च 2024, यानी आपको इसका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBE के तहत होगा, कब होगा, तो फरवरी से मार्च 2024 की आप एग्जाम ले लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्कीम है इसका, नेक्स्ट में दिया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, जो उसमें देखें यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन बिगिन शुरू होगा 24/11/2023 से और लास्ट कब होगा 31/12/2023 से। इसमें क्या जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया इसमें फी पेमेंट रखा गया है और एससी एसटी के लिए इसमें कोई फी पेमेंट नहीं रखा गया। और देखिए ऑल कैटेगरी फीमेल 0 है, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू द डिजिटल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के द्वारा आप इसका भुगतान कर सकते हैं। देखिए इसका इसमें वही चीज पड़े हैं, करेक्शन डेट है, पे एग्जाम लास्ट डेट है और मार्च में इसका फरवरी से मार्च के बीच एग्जाम होगा। यहाँ पर डेट है 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा थ्रू। आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल है बिफोर एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। अब चलिए आगे है, आगे इसमें दिया है क्राइटेरिया है कि इसमें रेस जो है, इसमें जो रेस है कह रहा है कि इसमें मेल फीमेल और मार्क्स इसमें दिया गया है। तो इसमें रेस में क्या है, आपको जो मेल होंगे 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, आपको 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट आपको कवर करने हैं और है 8.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, 6.5 किलोमीटर में 2 मिनट में। वही क्राइटेरिया फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है जो 8.5 मिनट में तय करना और 800 मीटर जो है इन 4 मिनट में आपको तय करना। इसमें रिमार्क है फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, और इसमें है फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो गया, इसमें क्राइटेरिया हो गया आपको रेस कितना कितना करना है। नेक्स्ट में इसमें दिया गया एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट है 18 से 23 ईयर 1/1/2024 से कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्ली दैन 2/1/1 एंड लेदर दैन 1/6 नॉर्मल कोर्स, यानी आपको जन्म कितना 2/1 से 2/6 के बीच में होना चाहिए। और है इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया है, एससी एसटी है, ओबीसी है, एक सर्विस मैन है, इसके लिए अलग अलग है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो देखिए एससी एसटी को 5 वर्ष के लिए छूट है और ओबीसी के लिए 3 ईयर के छूट है। और आपको इसमें क्या है, एक सर्विस में यानी आप पहले से कोई सर्विस ज्वाइन कर रखे हैं तो 3 ईयर आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस इज रिगार्डेड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिनोकिंग होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें वही चिल्ड्रेन है रेसिपिडेंट है और इसमें है चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विटामिन है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें क्या है, इसमें कितने वैकेंसी है, इसमें देखिए वैकेंसी की टोटल संख्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 26,146 वैकेंसी है। इसमें सब में अलग अलग कैटेगरी है, BSF, CISF, CRPF, SSB है और ITPP, AR और SSS और यहाँ पर टोटल आपको जोड़कर बता दिया गया। और आपको पे स्केल है, पे लेवल आपको कितनी सैलरी होगी, 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, इसमें किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन को आएंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस किस सब्जेक्ट से, इसमें रहेगा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी में आपको डिवाइडेड रहेगा। इसमें पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा और पार्ट बी में क्या होगा, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी पार्ट डी में रहेगा। अब देखिए नंबर क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 40 इसमें सब आपको लाना है। और
ड्यूरेशन टाइम अलाउड है आपको 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी एक घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें है पार्ट में कह रहा है कि इसमें जनरल इंटेलिजेंस में किस किस टॉपिक से आएंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, एनालिटिक, एडप्टिव एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी पोस्टेड थ्रू क्वेश्चन। प्रिंसिबिलिटी ऑफ नॉन वर्बल टाइप, नॉन वर्बल से आपको आने वाला है, और है इसमें कंबाइंड बाय इंक्लूडिंग क्वेश्चन द एल्गोरिथम एंग्लो से आने वाला है, और सिमिलरिटी से भी आने वाला है, और इसमें बहुत इसमें सेपरेटियल विजुअलाइजेशन से भी आने वाला है, और रिलेशनशिप से भी आएगा, कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आएंगे, इसमें बहुत सारे मतलब तो चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, पर नॉन वर्बल सीरीज भी है, यहाँ पर कोडिंग है, रिकॉर्डिंग को भी सम्मिलित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट में बताएंगे, देखें नेक्स्ट में है जनरल नॉलेज, जनरल यानी जीके जीएस आपको कहाँ से आएंगे तो इसके बारे में आपको सब बताया गया है। यदि आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर इसमें बात करें आगे है मैथ, तो हम लोग का मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखिए कह रहे हैं कि पहला है नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से आएगा, डिसाइमल एंड फ्रैक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से आएगा, और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से भी आएगा, और परसेंटेज है 5 नंबर पर, और आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको क्वेश्चन आएगा, एवरेज से भी आएगा, 8 नंबर में इंटरेस्ट ब्याज से भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, मेंसुरेशन से भी आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, रेशियो एंड टाइम से आएगा, टाइम एंड वर्क यानी ईटीसी से, यानी और अदर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जल्द। अब नेक्स्ट में हिंदी इंग्लिश से कहा गया, तो हिंदी इंग्लिश में दे रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रेशन शुड बी टेस्टेड, यानी आपको हिंदी में कोई ज्यादा हिंदी इंग्लिश में आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे जो आप पढ़े होंगे 11th में, तो वही बेसिक हिंदी इंग्लिश आने वाले हैं। अब आगे इसको किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी आपको कह रहा है हाउ टू फिल एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। यहाँ पर 2023 की बात किया गया, तो हालांकि 2023 में आया है, तो 2024 में भी आया है, यहाँ पर दिया है, देखिए ये पुराना वाला है, 21/12/2023 आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक जिस प्रकार पुराने वाले प्रोसेस है फॉर्म फिलअप होता है, ठीक उसी प्रकार से इस साल भी फॉर्म आपको फिलअप करने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बता दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।